हम लोग आज खाएंगे लिट्टी चोखा। आज हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे और उसका तैयारी चल रहा है। लिट्टी और चटनी, आलू नहीं, टमाटर और धनिया पत्ता का चटनी और उसके साथ में लिट्टी। कई जगह इसको बाटी भी बोलते हैं। और आप नीचे देखिए, यहाँ जो है पापा मेरे बैठे हुए हैं और ये आग रेडी हो चुका है लिट्टी सेकने के लिए। गोईठा पा गोईठा गोईठा पे हम लोग बना रहे हैं। बिहार का मशहूर डिश है ये लिट्टी चोखा। बिहार का सबसे मशहूर फेमस डिश है लिट्टी चोखा। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ लिट्टी बिल्कुल रेडी है, सत्तू वगैरह भर और के रेडी कर रखा है। और बस अब इसको आग पे रखते जाएंगे एक एक करके। और फिर उसके बाद बस 10-15 मिनट में, 10 मिनट में लिट्टी रेडी करके रखते जाएंगे इस पे। और फटाफट ये सिकना रखते के साथ ये सिकना चालू। अभी भी काफी आग है इसमें, आग को इतना बराबर रखिएगा। अगर आप भी लिट्टी बनाने का मन कर रहा हो ये देखने के बाद, तो बस मन क्या बना ही लो। हम तो ये कह रहे हैं गोईठा ना, मेरे लकड़ी जला लो, उस पे आग आग बराबर करके उस पे लिट्टियां सेक लो, सेक के खा के लिट्टी कम ना पड़ जाए। ये देखिए क्या बात है, क्या बेहतरीन लिट्टियां सीख रही। काउंट कर लीजिए कितना है, कितना है, चौबीस 24 लिट्टियां हैं। और ये गोईठे को फोड़ के आग बनाया गया है और फटाफट इस पे सेकेंगे। एक और साइड से 10 मिनट पलट में दिया, अभी रखा थोड़ी देर पहले। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिक रहा है दोनों तरफ से। इसको जल्दी जल्दी पलटना पड़ता है वरना ये जल सकता है। और मेरे पापा इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है लिट्टी सेकने में, तो घर पे अगर कभी भी लिट्टी बनता है तो इनके हाथ का लिट्टी मज़ा आ जाता है खा के। तो आज पापा जो है लिट्टी बना रहे हैं इधर ठंड में। वैसे बरसात के मौसम में तो लिट्टी खाने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, पर ठंड में भी खाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको ऐसे दबा के नहीं रखेंगे तो आग जल्दी से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बन जाए, बस फटाफट ये सीख जाए, उसके बाद हम सिका हुआ से मैं जब पूरा सीख जाता है फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये लगेगा। सो अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो को हम पॉज करते हैं। क्या बात है, कितना बेहतरीन सिक रहा है, सिखा रहा है ये आग पे। ये आप देख सकते हैं कलर आ रहा है अब इसका धीरे धीरे लिट्टी का भी। इसके बाद ये फटना चालू हो जाएगा। जब फट जाएगा समझिएगा लिट्टी आपका पक गया, रेडी है खाने के लिए। बस राख से निकालिए, राख को साफ कीजिए, घी लगाइए, मक्खन लगाइए, जो लगाना लगाइए। और चटनी हो, आलू बैंगन का चोखा हो या टमाटर का चोखा हो, अब बनाइए और फटाफट इसको खाइए। देखिए कोई कोई लिट्टी फट भी रहा होगा, कोई फट रहा है लिट्टी? ये देखिए, ये देखिए, ये फटना स्टार्ट हो गया लिट्टी, दिख रहा है? ये देखिए, मतलब कि लिट्टी जो है पकना स्टार्ट हो गया है। 70% हो गया, अब 30% बचा हुआ है। ओहो क्या बात है, क्या बात है। लिट्टी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सीख चुका है, पूरा चारों तरफ से लिट्टी जो एकदम सिक गया। और इस लिट्टी को देखिए, ये तो जैसे मुंह खोल दिया हो कि हाँ बस अब उठाओ और हमको खा जाओ, यहाँ यहाँ छोड़ो मत हमको आग से हटाओ और खा जाओ। बेचारा लिट्टी इतना पक गया है ये कि ये तो फट चुका है, आप देख सकते हैं। और सारे सारा लिट्टी जो है सब एक बराबर सेका है पापा ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से। मतलब देख के तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तो बस आज मतलब क्या कहूँ कि आज कम पड़ जाएगा सबको मुझसे अगर बच गया तो आप सब भी बस बना लो ठंड में, तो ठंड में आग पे तो बना ही सकते हो भाई, जिसको जैसा जो भी सुविधा हो, कोयला पे, आग पे, लकड़ी पे, बस बना के खा लो, ठंड में आग का मजा लो। मजा लीजिए आग का। ठंड में सही कह रहे हैं, ठंड में आग का मजा भी लीजिए और साथ साथ खाना का भी मजा लीजिए। लिट्टी चोखा वो कहा गया है ना, एक गाना भी है भोजपुरी में, इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, मनोज तिवारी का, सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन गाना है।
सबकी बवाल। ये देखिए क्या बेहतरीन सा पक गया है। तो अब हम लोग इसको इस पे से आग से हटाएंगे और फिर खाना चालू। अब क्या कहें, अब आप लोग को भी मुंह में पानी आ रहा होगा देख करके, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब आप भी बना लीजिए, खा लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। अरे लिट्टी के नाम पे ही लाइक तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। फेसबुक पर।